अस्सलामु अलैकुम, एम उस्मान इन्फो ऑनलाइन की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आप अगर एक कंपनी से अपना वीज़ा चेंज करना चाहते हैं, आपका प्रोबेशन पीरियड ख़त्म हो चुका है और आप अपनी कंपनी को रिज़ाइन करते हैं, लेकिन आपकी कंपनी रिज़ाइन को एक्सेप्ट नहीं करती, तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना होगा, यूएई का लेबर लॉ इस हवाले से क्या है, तरीक़ाकार क्या है, पूरी डिटेल इस हवाले से आपको मैं बताऊँगा और मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आप अगर अपनी कंपनी चेंज करना चाहते हैं, रिज़ाइन देना चाहते हैं, तो आप किसी भी किस्म की गलती ना करें और आपको आपके तमाम बकायदात मिले। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें, मेरे चैनल के ऊपर नए आए हैं लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को इनेबल करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस करें, ताकि इसी किस्म की मजीद मालूमात वीडियोस आपको टाइम के ऊपर मिलती रहे। तो दोस्तों, यूएई का जो लेबर लॉ है वो इस हवाले से बहुत ज्यादा क्लियर है कि सबसे पहले तो आपको अपना प्रोबेशन पीरियड पूरा करना होगा। अगर एक कंपनी के अंदर आपने पूरा कर लिया है और उसके बाद आपका रिज़ाइन देने का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि एक तो आप जो रिजिग्नेशन लेटर होगा वो बाय हैंड अपनी कंपनी के ऑफिस में पहुंचाना है। कोई भी आपकी कंपनी के अंदर ऑफिस में स्टाफ मेंबर मौजूद है, उसको आपने रिजिग्नेशन लेटर देना है, चाहे वो उसके ऊपर साइन करें या ना करें। अगर आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो आपकी साइट के ऊपर आप इंजीनियर को कंपनी के ऑफिस में, कंपनी के ओनर को, मैनेजर को, पीआरओ को, किसी को भी रिजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं। इसके अलावा आपकी कंपनी का ईमेल आपके पास होगा, उस ईमेल के ऊपर भी आपने अपना रिजिग्नेशन लेटर लाजमी सेंड करना है, उसका प्रूफ आपने अपने पास रखना है। अगर कंपनी के किसी भी स्टाफ मेंबर का आपके पास, और स्पेशली अगर आपकी कंपनी के ओनर का व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, तो अगर उसके ऊपर भी आप सेंड कर देंगे तो ये आपके लिए और भी बेहतर होगा। लेकिन बाय हैंड और ईमेल के थ्रू आपने लाजमी अपना रिजिग्नेशन लेटर उनको पहुंचाना है और इसका आपके पास लाजमी सबूत होना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग होते हैं कि जो भी उनके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने मोबाइल से डिलीट कर देते हैं। कोई भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो कभी भी अपने मोबाइल से डिलीट ना करें, उस टाइम तक जब तक कि उस हवाले से आपका वो काम कम्प्लीट नहीं होता। रिजिग्नेशन लेटर कबूल करने की निशानी ये होती है कि आपकी कंपनी का ओनर या कंपनी का मैनेजर या कंपनी का पीआरओ उसके ऊपर साइन कर लेते हैं, और बेहतर यही है कि एक फोटोकॉपी आप अपने पास रख लें, या दोस्तों वो अगर साइन नहीं भी करते तब भी आपका रिज़ाइन किया हुआ लेटर वो अपने पास रख लेते हैं, तब भी वो कबूल कर चुके हैं। लेकिन अगर वो कबूल नहीं भी करते, आपकी कंपनी आपका रिज़ाइन किया हुआ लेटर कबूल नहीं करती, तब भी आप मोहर सेंटर में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, कॉल के थ्रू कंप्लेन कर सकते हैं, उनको अपने कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल बता सकते हैं। और साथ में दोस्तों आपको ये भी बताता चलूं कि आप जब भी अपनी कंपनी को रिज़ाइन करेंगे तो आपने लाजमी कम से कम 30 दिनों का नोटिस पीरियड देना ज़रूरी है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 90 डेज यानी कि 90 दिनों का भी नोटिस पीरियड दे सकते हैं। बेहतर यही है कि अगर आपके पास किसी भी किस्म की दूसरी जॉब अभी नहीं है, आप ढूंढ रहे हैं, तो फिर आप 90 डेज का नोटिस पीरियड दें। लेकिन अगर आपको कहीं और काम मिल चुका है, आपको जल्दी ही दूसरी किसी कंपनी से वीज़ा मिल जाएगा, तो फिर आप 30 दिन का यानी कि एक महीने का नोटिस पीरियड देकर आप अपनी कंपनी को रिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन जितने दिन का आप नोटिस पीरियड देंगे उतने दिन तक आप उस कंपनी में काम करने के पाबंद हैं, उससे पहले आप अपना वीज़ा वहां से चेंज नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में दोस्तों अगर आप कोई मिस्टेक करेंगे तो आपकी कंपनी आपके ऊपर एक्शन ले सकती है। तो उम्मीद है ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपको लाजमी पसंद आई होगी। इसी किस्म की मजीद मालूमात वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।